शारजहां फार्मेसी कॉलेज प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा मौत मामले में पुलिस ने धारा बढ़ाकर हत्या का मामला दर्ज किया है। विमुक्ता शर्मा जो कि जिंदगी की जंग हार गई है, लेकिन पुलिस अब इस मामले में सख्त एक्शन की तैयारी में, धाराएं बढ़ा दी गई हैं। हत्या का मामला आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया है और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द आरोपी छात्र को सजा दिलाई जा सके। पुलिस फिलहाल हर एंगल पर इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में जिन पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है, दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है। ग्रामीण एसपी भागवत प्रसाद विरदे ने इस संबंध में बयान भी दिया है। तो बता दें आपको कि कई पुलिसकर्मियों की भूमिका भी इसमें संदेह के घेरे में है, क्योंकि ये लगातार परिजनों की ओर से कहा जा रहा है कि आरोपी छात्र पहले भी परेशान कर रहा था। ऐसे में शिकायत की गई थी थाने में, कई बार इसे लेकर कंप्लेन की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और उसी का परिणाम है कि देखिए इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा जिन्हें जिंदा जला दिया गया, वो उनकी दुखद मौत हो गई है। आरोपी छात्र को फांसी दिलाने की, फांसी की सजा दिलाने की मांग की जाएगी, साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाया जाएगा। और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुक करते हैं, अखिलेश सैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, पहले तो देखिए पुलिसकर्मियों की ओर से कई लापरवाही सामने आई, लेकिन अब पुलिस इस मामले में सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है, धाराएं बढ़ा दी गई हैं। बिल्कुल, जाया जो पूरा घटनाक्रम था बड़ा ही दर्दनाक, अब जो पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया था जहां महिला प्रोफेसर को जिंदा जला दिया गया था, जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं पर प्रोफेसर से नाराज चल रहा था, उसकी मार्कशीट उसको नहीं मिल पा रही थी और यही कारण रहा था कि वो खुद पेट्रोल पंप पर पहुंचा, उसने पेट्रोल लिया और उसके साथ ही एक बाल्टी खरीदी और उस बाल्टी में पेट्रोल ले जाकर जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर डाला और उसमें जो आग लगा दी और उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं पर 200 मीटर तक जान बचाने के लिए भागती रही। आसपास जो कर्मचारी थे या फिर जब लोग वहां से गुजर रहे थे उन लोगों ने आग को बुझाया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जो प्रिंसिपल है विमुक्ता शर्मा उन्हें श्रीराम हॉस्पिटल में पहुंचाया था और जहां पर उनका 5 दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच में आखिर वो जिंदगी की जंग है वो हार गई और आज सुबह 4 बजे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है और जो विमुक्ता शर्मा है प्रिंसिपल उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद ही आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि पुलिस ने अब धारा उसमें हत्या की धारा जो आरोपी के खिलाफ बढ़ा दी गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है केस चलाने की पुलिस बात कर रही है, उसे फांसी की सजा दिलवाने की बात भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ कहीं ना कहीं पर पुलिस विभाग की ही देखी जा रही है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है पहले भी 3 से 4 बार आवेदन दे चुकी थी आरोपी छात्र के खिलाफ, क्योंकि छात्र लगातार उन्हें धमकियां दे रहा है, जान से मारने की बातें कर रहा है, उन्हें सोशल मीडिया पर परेशान कर रहा है। इस तरह का जो आवेदन है वो जो प्रिंसिपल है वो 3 से 4 बार दे चुकी थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया और ये कितना बड़ा घटनाक्रम हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच करने के बाद जो ASI है उन्हें सस्पेंड पुलिस ने कर दिया है और उसके साथ ही पुलिस ने एडिशनल SP को जांच सौंपी है इस पूरे मामले की और जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ पुलिस यहां पर कार्रवाई करने की बात भी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही रहा कि पुलिस अगर पहले से सचेत हो जाती तो इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। फिलहाल जो आरोपी और विमुक्ता शर्मा आज हमारे बीच में होती शायद वो जिंदा होती, लेकिन अब उनके जाने के बाद उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश जरूर पुलिस कर रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका अखिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन ये बड़ी खबर है, इस मामले में धाराएं बढ़ाकर हत्या का मामला दर्ज किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाया जाएगा और एक पुलिसकर्मी उन्हें सस्पेंड भी इस मामले में किया गया है। फिलहाल जांच लगातार जारी है, आगे पुलिस सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है।